दोस्तों मूवीज में क्रिमिनल जब किसी से फोन पे बात करते हैं, स्पेशली पुलिस वालों से, जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर ने रकेल से बात की, तो उन्हें प्रोफेसर की ओरिजिनल आवाज नहीं सुनाई देती, तो वो अपनी आवाज को बदलने के लिए क्या करते हैं? और क्या जर्नल लाइफ में किसी के साथ इस तरह वॉइस चेंज करके बात करना लीगल है? और कैसे आपकी आवाज का क्लोन बना के उसका मिसयूज किया जा सकता है? सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। देखो, जब भी किसी डिवाइस या सॉफ्टवेयर की हेल्प से ओरिजिनल आवाज में डिस्टोर्शन ऐड किया जाए, उसकी पिच को धीमा या फिर तेज किया जाए, उसे कहते हैं वॉइस चेंजर, जिसके इस्तेमाल से ओरिजिनल वॉइस में काफी बदलाव आ जाता है। वैसे आपको काफी सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या फिर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगी, मे बी आप में से काफी लोगों ने इस्तेमाल भी की हों, लेकिन वो सभी बेस लेवल की होती हैं, फन वगैरह के लिए। लेकिन क्रिमिनल जो यूज करते हैं वो कंप्यूटर के कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर यानी कि वॉइस चेंजर डिवाइसेस भी होते हैं, जो ऑन कॉल ही क्रिमिनल की वॉइस को चेंज करके सामने वाले के पास भेजता है, जिससे पुलिस को बदली हुई यानी कि मेल, फीमेल या किसी ज्यादा उम्र के आदमी के जैसी भारी आवाज सुनाई देती है। एक सवाल, क्रिमिनल ऐसा क्यों करते हैं? जाहिर है अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, ताकि उनकी आवाज को कोई पहचान ना ले, राइट? लेकिन इसकी दो वजह और भी हैं दोस्त। पहली कि पुलिस क्रिमिनल की वॉइस को अपने डेटाबेस से मैच करके देख सकती है। अगर क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड उनके पास होगा तो डेफिनेटली उसका पता लग जाएगा। और दूसरी बात कि आवाज के साथ ना इंसान की फीलिंग्स जुड़ी होती है, तो पुलिस के लिए ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि चोर के दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, वो कितना कॉन्फिडेंट या फिर डरा हुआ है। तो इस सारी भसड़ से बचने के लिए वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर हमें मूवीज में देखने को मिलता रहता है। देखो, अगर आप इसे खुद के लिए फन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी भी दूसरे इंसान को गाली देते हैं, धमकी देते हैं, झगड़ा करते हैं और वॉइस चेंज करके उनसे बात करते हैं, तो ऐसा करना डेफिनेटली इलीगल है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, वॉइस का क्लोन बनाना। देखो, पहले के टाइम जो चोर या फिर अपराधी होते थे वो देसी थे, तो उनको पकड़ने के लिए भी देसी हथकंडे ही अपनाए जाते थे। लेकिन इस बढ़ती टेक्नोलॉजी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते क्राइम भी नेक्स्ट लेवल, नई किस्म के होने लगे हैं। अगर आपकी आवाज या वॉइस क्लिप किसी के हाथ लग गई, तो सिंपली कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से डीप लर्निंग के जरिए आपकी आवाज का क्लोन बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं आजकल भाई साहब, एंड फ्यूचर में तो इस तरह की एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो बी केयरफुल। एंड इस बढ़ती टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।